हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवशंकर पैरामेडिकल। शिवशंकर पैरामेडिकल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बात डी फार्मेसी का। जी हाँ, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे डी फार्मा का। किसका बात करेंगे? डी फार्मा का। देखिए, कोई भी स्टूडेंट जो है, एक बात यहाँ पे समझिएगा कि जितने भी स्टूडेंट है, अगर जो मैथ से है, जो चाहते हैं कि हम मेरा मैथ हो गया है और पैरामेडिकल का एग्जाम दिए हैं और डी फार्मेसी कोर्स मिल जाए, तो आज उनके लिए हम बात स्पेशल करेंगे जीपीआई यानी गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट गुलजारबाग पटना। जी हाँ, इस कॉलेज का आज हम कट ऑफ बताएंगे कि यूआर कितना होना चाहिए और कैटेगरी रैंक कट ऑफ कितना जाने वाला है। ठीक है, इतना रैंक अगर आपको होता है तो काउंसलिंग करा दीजिएगा, मिल जाएगा एडमिशन। देखिए, यूआर का रैंक हम पहले बात कर लेते हैं यूआर वालों के लिए, लेकिन हम डीक्यू वालों के लिए ही बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि सर डीक्यू वाला का रैंक बता दीजिए कि डीक्यू वाला के लिए कितना कैटेगरी रैंक जाएगा। डीक्यू वाला का जो कट ऑफ जाने वाला है कैटेगरी के आधार पर, वो 1 से लेकर 227 जाएगा। अगर आप डिसेबल कोटा में आते हैं, अगर आप डीक्यू में आते हैं और आपका रैंक 1 से लेकर 227 के बीच है, तो काउंसलिंग कराइएगा जीपीआई में यानी गवर्नमेंट फार्मेसी इंस्टीट्यूट गुलजारबाग पटना में, एडमिशन मिल जाएगा। चलिए इधर आइए, यूआर रैंक देख लिया जाए। यूआर रैंक जो है यह भी 1 से लेकर 227 होना चाहिए और इसका कैटेगरी रैंक भी 1 से 227 होना चाहिए, यानी जितना डीक्यू का ले उठा रहा है वहां से जनरल का भी वहीं से उठा रहा है। ठीक है, तो यूआर रैंक जो है ना, ये सबको लिए हो जाएगा, एसटी वालों के लिए भी, एससी वालों के लिए भी, बीसी वालों के लिए भी, ईबीसी वालों के लिए भी, आरसीजी और ईडब्ल्यूएस, इस जितना कैटेगरी में आप सब आते हैं सबका यूआर रैंक खोजेगा और सबका यूआर रैंक 1 से लेकर 227 के बीच होना चाहिए इस कॉलेज में एडमिशन के लिए डी फार्मा में। अगर हम एसटी वालों की बात कर ले कैटेगरी की, कैटेगरी रैंक कितना होना चाहिए, तब 5 से लेकर 8 होना चाहिए, यानी एकदम बहुत कम पर उठाएगा, क्योंकि एसटी वालों का यहाँ पे जो सीट है मात्र 2 सीट है, इसका मात्र 2 ही सीट है, इसलिए 5 से लेकर 8 तक कैटेगरी रैंक वालों को लेगा। एससी में अगर आते हैं आप, तो अगर आपका यूआर रैंक 1 से 227 के बीच है तो कैटेगरी रैंक होना चाहिए 19 से लेकर 75 के बीच। जी हाँ, अगर आपका कैटेगरी रैंक जो है 19 से 75 के बीच है और आपका यूआर रैंक 1 से लेकर 227 के बीच है और एससी में आते हैं, तो काउंसलिंग कराइएगा, सीट मिल जाएगा। चलिए, अगर आप बीसी कैटेगरी में आते हैं और आपका यूआर रैंक 1 से 227 के बीच है, अगर कैटेगरी रैंक जो है 73 से लेकर 164 के बीच आता है, तो आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप ईबीसी कैटेगरी में आते हैं और आपका यूआर रैंक 1 से लेकर 227 के बीच आ रहा है और कैटेगरी रैंक जो है 28 से लेकर 114 के बीच आ रहा है, तो काउंसलिंग कराइएगा, सीट मिल जाएगा। अगर आप आरसीजी कैटेगरी में आते हैं और आपका रैंक 1 से लेकर 227 के बीच है और कैटेगरी रैंक 101 से लेकर 213 के बीच है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, काउंसलिंग कराइएगा। ठीक है, अगर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है और आपका यूआर रैंक 1 से 227 के बीच आ रहा है, तो कैटेगरी रैंक जो है 10 से लेकर 44 का बीच होना चाहिए। अगर इतना कैटेगरी रैंक जो है, अगर आप लोगों का कैटेगरी रैंक जितना हमने बताया है इतना इतना के बीच आता है, यूआर रैंक इतना के बीच आता है, तो आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा जीपीआई गुलजारबाग पटना में यानी डी फार्मा कोर्स में। इसलिए अगर इतना के बीच रैंक आ रहा है तो काउंसलिंग कराइएगा जीपीआई गुलजारबाग पटना में, आपको सीट मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा।